पोहरी विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के द्वारा लगातार विकास कार्यों की झड़ी लगाई जा रही है और क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। इसी तारतम्य में मंगलवार को राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा में 10 लाख रुपए लागत राशि के विकास कार्यों की सौगात दी गई, जहाँ वार्ड क्रमांक 11 अंसारी कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष रश्मि नेपाल वर्मा, नगर परिषद उपाध्यक्ष कृष्णलता संजीव शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जेमनी, SDM शिवदयाल धाकड़, नगर परिषद CMO तेज सिंह यादव सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य मंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर पोहरी नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 11 अंसारी कॉलोनी में 10 लाख रुपए की लागत से बनी CC रोड का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने क्षेत्र के विकास कार्यों में कमी न आने की बात कही। हो रही तो वहां अपना एक टैंकर पानी तत्काल हम भेजे और जो भी पार्षद का फोन आए सबको अपन भजन से लेना है, उनकी बात को सुनना है और सभी बैठ के इस काम की गति को हमको बहुत बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। और दो तीन मैं मांग और इस मन से तुमसे रखना चाहता हूँ और पूरी टीम यहाँ है। एक तो आदमी भाई साहब चौराहे बड़ी दिक्कत, बस से महिला उतरती है तो वहां कोई बाथरूम की व्यवस्था टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, बस सुन तो रहे पर अब काम चालू नहीं है तो कोई मतलब नहीं, तो पब्लिक थोड़ी मान रही है। मैं वहां भी मानते काम स्टार्ट नहीं हुआ पब्लिक न उससे कोई मतलब, उसको चालू जिससे भी खराब बनती उसको चालू करा दो, कम से कम दो तीन जगह ऐसी बना दो, एक इधर के अपने जगह में जाए रेस्ट नहीं मिला तो रेस्ट हाउस का कुन्ना साफ कर देंगे भाई साहब नीम के कुन्ने पे तो है? और एक थाने में बोल के AGP साहब को और TI को तो पहले बना दो थाना तो गया वहां से अंदर हो जाए, थाना तो चला गया नहीं, थाने का दिक्कत है एक रेस्ट हाउस में हो जा और एक बस स्टैंड पे तो है ही, तो दो तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये होना जरूरी है क्योंकि बहनें आती हैं बस से उतरती हैं तो बड़ी दिक्कत आती है भाई साहब, शर्मा शर्मी कहाँ जाए।